बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। देखिए होली का माहौल है, होली का जो है खास अवसर चल रहा है और हम इस वक्त मौजूद हैं वृंदावन में। हमने आपको दिन में जो वृंदावन के रंग हैं वो दिखाए हैं, अभी जो है रात का वक्त है, 8 बज रहे हैं और अभी क्या कुछ वृंदावन का रंग है ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए एक तरफ मेरे इस्कॉन मंदिर है, यहाँ पे हजारों की संख्या में जैसा कि आप देख सकते हैं कि भक्त जन जो है वह इनका तांता लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगी हुई है, लोग जो है दूर दूर से जो है यहाँ भ्रमण करने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे दूसरे साइड जो है वह बाजार है और बाजार इतना रंग बिरंगा नजर आ रहा है, आप खुद देख सकते हैं अपनी आंखों से, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। देखिए वैसे तो जब होली का समय नहीं रहता है वृंदावन अपने आप में ही बहुत खूबसूरत सा एक उदाहरण प्रस्तुत करता नजर आता है, लेकिन अभी एक एक चीज जो है आपको वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही होगी। बिल्कुल जो सामने जो है वो मूर्ति जो है वो भगवान की वो जो है वो मिल रही है, और इधर आप देखें तो भगवान के वस्त्र मिल रहे हैं। ये जो पूरा मार्केट है जो इतना अधिक सजा हुआ है, मेरे आप जो अपने सामने देख पा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो आपको मिल रही है। देखिए यहाँ पे भक्त जन जो है वो मार्केटिंग करना है, उनसे भी पूछेंगे, बात करेंगे कि क्या कुछ जो है उनका अनुभव जो है वृंदावन में हो रहा है। कुछ दुकानदारों से भी बात करेंगे कि पहले से कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं, पहले से जो है वह ग्राहकी इनकी बढ़ी है कि नहीं, लोगों से भी बात करेंगे। और साथ ही हम आपको जो है रात में वृंदावन अभी होली के वक्त कैसा लग रहा है ये हम आपको दिखाते चलेंगे। तो देखिए जैसा कि हम आपको दिखा पा रहे हैं कैमरे पे एक सुंदर सुंदर जो है तस्वीरें जो है वह राधा कृष्ण की, जो हमारे इष्ट देव हैं उनकी तस्वीरें जो है वह पूरी तरह से यहाँ लगी हुई है। यहाँ हम लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं उनसे कि जो उनका अनुभव रहा है वो कैसा रहा है। देखिए यहाँ पे खिलौनों के दुकान है, आपको आगे आप जाओगे तो आपको जो है झुमके मिल जाएंगे, लड़कियों को खासकर बहुत पसंद होता है। तो सर कहाँ से आए हैं, कैसा चल रहा है सब कुछ? प्रतापगढ़ यूपी से, प्रतापगढ़ यूपी से आया हूँ। तो यहाँ की शॉपिंग कुछ अलग लग रही है प्रतापगढ़? बिल्कुल हटके है, सॉरी बिल्कुल हटके है, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल मजा ही आ गया, बिल्कुल से रंगीन सा है, बहुत ज्यादा रंगीन है, बहुत ज्यादा। माँ बताइए क्या कुछ कलरफुल सा लग रहा है, रंगीन सा लग रहा है? हाँ बहुत रंगीन सा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा है। और ये जो दिन की छटा तो हम देखते ही है, रात की छटा कैसी है ब्रज की? रात की छटा तो ब्रज की बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल अमेजिंग, बिल्कुल से जो इनकी लाइटिंग शो था बहुत ही अच्छा था। अभी मैं जस्ट यहाँ इस्कॉन टेम्पल से आ रहा हूँ, जो राधे राधे पे डांस हुआ है उसकी कोई आप अमेजिंग घर बैठ के तो आप सोच भी नहीं सकते, जब तक आप उसे पार्टिसिपेट करेंगे और उसके साथ एंजॉय करेंगे तो उसकी बात ही अलग होगी। जैसा कि सर ने बताया कि जो प्रेम मंदिर से लेकर इस्कॉन मंदिर यहाँ भक्त जन जो है वह राधे राधे की, कृष्ण जी की जो भक्ति है उसमें पूरी तरह से लीन है। हम मार्केट में आगे बढ़ते जाते हैं और आपको और भी नज़ारे दिखाते हैं। देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी दूर जो है कहीं, बिल्कुल वहाँ पे जो है वह किस तरह से राधे राधे का जो उद्घोष हो रहा है, लोग यहाँ मेरे पास से जा रहे हैं और राधे राधे का उद्घोष करते जा रहे हैं, एक अलग तरह का जोश, अलग तरह का उत्साह है। यहाँ पे आप ट्रैफिक देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि कुछ दिनों से खबरें लगातार चल रही हैं कि कैसे वृंदावन मथुरा में होली को लेकर जो है इस बार लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं। आपको हम रोड के उस साइड लेकर चलते हैं, वहां क्या कुछ है ये भी आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए लोग यहां पे देश के कोने कोने से आते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं, और जिस वजह से अभी जो माहौल है होली का वो काफी जो है वह ट्रैफिक के साथ वाला हो गया है। जी हां देखिए रोड के इस साइड हम आ गए हैं और कैसे यहाँ पे भक्त जन जो है इतने खुश हैं, और जिस उद्घोष की, जिस संगीत की हम बात कर रहे थे आपसे, वो बिल्कुल आपके सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह ये जो है विदेशी भक्त हैं और किस तरह से कृष्ण के भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। जो हम जो आपको माता दिख रही हैं, जो बहन दिख रही हैं, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल राधा रानी के रूप में जो है वह बिल्कुल ढाल लिया है। और एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर जो हमारे कृष्ण है, हमारे कृष्ण कन्हैया है, उनकी जो है वह जो छोटी छटा है वो नजर आ रही है। देखिए आप
यहाँ पे भक्त है, एक राधा रानी की, कृष्ण जी की भक्त बनकर आई है। रात का नजारा वृंदावन का कैसा लग रहा है? बहुत ही ज्यादा अच्छा है यहाँ पर नजारा। मतलब हाँ, होली के टाइम के लिए ज्यादा भीड़ है अभी, लेकिन जो भी नजर प्रेम मंदिर अभी होके आए हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा नजारा था वहाँ। देखिए, बहुत दिनों से खबरें आ रही थी कि बहुत भीड़ है, लोगों को नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ लगा आपको सुरक्षा के? मतलब अगर कोई एल्डर पीपल है तो उन लोगों को इस टाइम पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि सच में भीड़ है, लेकिन अगर किसी को एंजॉय करना हो तो इस टाइम पे आना चाहिए। तो अपने दोस्तों से क्या कहेंगे? होली के टाइम पे आना चाहिए यहाँ पे। तो जैसा कि आपने देखा कि लोग जो हैं वह इतने उत्साहित हैं, इतने जोशीले हैं कि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि वृंदावन आ गए पर आपका जाने का मन नहीं कर रहा है। आपके साथ कुछ ऐसा है? हाँ, वैसा तो है, लेकिन जबकि हम लोग बाहर से आए हैं और जाना तो वापस से ही, इसलिए जाना पड़ेगा, लेकिन सुकून है यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कुछ लोगों से और बात करते हैं और आपको हम पूरे मार्केट का जो है वो दिखाते हैं। यहाँ पे आपको बता दें तो मंदिर इस्कॉन मंदिर है यहाँ पे, और वहाँ जाने के लिए जो लोग हैं, भक्तजन हैं, वो अपने चप्पल जूते यहाँ जो है वो जमा करवाते हैं मंदिर में प्रवेश करने से पहले। देखिए, धीरे धीरे हम आपको पूरे मार्केट का नज़ारा दिखा रहे हैं। आप भीड़ देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं, होली खेलने आए हैं। होली के अवसर पर जो है एक अलग ही नज़ारा वृंदावन का हो जाता है, पूरे ब्रज का हो जाता है। राधे राधे। आंटी कहाँ से आई हैं? हम लोग उड़ीसा, उड़ीसा से, जगन्नाथपुरी के पास से। ब्रज में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कहाँ से आई हैं आंटी? उड़ीसा, उड़ीसा राउरकेला। उड़ीसा से आई हैं, राउरकेला से आई हैं। उड़ीसा वालों को यहाँ से क्या बोलिएगा? हरी बोल, हरी बोल, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा राधे राधे, हरी बोल। अच्छा, दिन में जो है वृंदावन तो अलग दिखता ही है, रात में वृंदावन की छटा कैसी है? स्वर्ग, स्वर्ग लाइक स्वर्ग, स्वर्ग जैसी है, बहुत खूबसूरत, रासमयी, रासमयी वृंदावन लगता है रात को, रासमयी लगता है। हाँ, रिश्तेदारों को, दोस्तों को कहिएगा कि वृंदावन आए, ब्रज आए। वही हमको यहाँ भेजे हैं, वो होके जाते हैं, हमको बताते हैं, हम आ जाते हैं। कृष्ण और राधा रानी की जो भक्ति है, प्रेम है, महसूस कर पा रही हैं? उनकी भक्ति महसूस करना हमारे बस की नहीं है। हाँ। वो हम महसूस कभी नहीं कर सकते। हाँ। तो यहाँ पे उड़ीसा से कुछ भक्तजन हमारे बीच अभी इकट्ठा हुए थे। देखिए, उड़ीसा से भाई साहब और हैं। भाई साहब, आप उड़ीसा से हैं, क्या करते हैं? राउरकेला से, स्टील प्लांट, राउरकेला। यहाँ पे इतना जोश, इतना उत्साह है लोगों के बीच, आप देख सकते हैं कि, और जो है और इतनी खुशी है उसको जागृत, उसको जो है वो प्रदर्शित कर पाने में थोड़ा सा कठिनाई इनको जो है हो रहा है। एक अच्छा अच्छा भक्ति के लिए कठिनाई को भी सहेंगे, ऐसा कह रहे हैं ये महिलाएं। देखिए, एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए राधे राधे तो बनता है ना। चलिए, बहुत खूब, बहुत खूब। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बहुत खूब, बहुत खूब। तो इतने उत्साहित दर्शक जो है, इतने उत्साहित भक्त हमारे बीच अभी मौजूद थे, और जो लोगों में जो है जिस तरह का जोश है, जिस तरह का उत्साह है, वो अपने आप में जो है देखने को बन रहा है। लोग कह रहे हैं कि वो बार बार आएंगे, और एक बार आएंगे नहीं, एक बार अगर आ चुके हैं तो बार बार आएंगे। और किस तरह से, देखिए कुछ लोग और है जो हमसे बात करना चाहते हैं। क्या लगता है, वृंदावन की छटा अलग दिखती है ब्रज अभी? बहुत अच्छी दिखती है वृंदावन की, एकदम अलग ही है। हम प्रॉपर राजस्थान से आए हैं, तीन दिन से यहाँ है, वृंदावन का अलग ही माहौल है। और इससे अच्छा प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर और बाकी बिहारी जी का बहुत अच्छा, यहाँ रहने का मन कर रहा है, ऐसा मंदिर कहाँ मिलेगा। राधे राधे बोल दीजिए, राधे राधे। चलिए चलिए, हम आपको धीरे धीरे यहाँ के जो लोग भक्तजन आए हैं देश के कोने कोने से, उनसे बातचीत करवाते हैं। और हमने आपको करवाया चुकी, और भी हम आगे बढ़ेंगे, हम मार्केट की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ छटा है, क्या कुछ छटा है, कैसे क्या है। भाई साहब जम्मू से आए हैं और ये बड़े जो है उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्या वृंदावन की छटा अलग लग रही है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत खुशी, बहुत खुशी यहाँ पे। दोस्तों को क्या कहना चाहेंगे? कि वृंदावन आना चाहिए होली पर जरूर, भगवान के दर्शन करने चाहिए, और राधे राधे बोलना चाहिए, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। यहाँ पे कुछ गोपियों की वेशभूषा में लड़कियां हैं जिन्होंने अभी अभी पाव भाजी का वो आनंद लेने वाली है, इनसे भी पूछेंगे, बात करेंगे। और आप लोग कहाँ से आई हैं, कैसा लग रहा है वृंदावन में? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग भोपाल से हैं, भोपाल से। हाँ, और अभी हमको आए हुए दो ही दिन हुए, बहुत अच्छा माहौल है और हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं।
अभी प्रेम मंदिर से होके आए हैं। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। आप बताइए, अच्छा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग भोपाल से इतनी दूर से इसी माहौल के लिए आए थे, तो बहुत अच्छा। होली तक रहेंगे? हाँ, होली तक रहेंगे। तो कपड़ों का भी यहाँ पे जो है वो जमावड़ा है, लोग दूर दूर से देखिए। आप जब वृंदावन में रहेंगे ना, कहते ना कि जैसा देश वैसा भेष, तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर महिलाएं गोपियों के जो है वेशभूषा में नजर आएंगी। देखिए यहाँ पे जो आंटी जी है वो भी जो है चुनरी ले रही हैं, दुपट्टा ले रही हैं। आंटी जी कैसा, मतलब क्यों दुपट्टा क्यों ले रही हैं? ये हम हमारी लड़की के लिए ले रहे हैं। तो मतलब उनको भी राधा रानी बनाना है? हाँ हाँ, कृष्णा है, राधा रानी बनाना है। हाँ, हाँ, तो कैसी यहाँ की खरीदारी, कैसे शॉपिंग, कैसा है यहाँ का? अभी जस्ट स्टार्ट किया है। हाँ, अभी जस्ट स्टार्ट किया है। स्टार्ट किया है, लग रहा है कि बहुत रंगीन सा मार्केट है। हाँ 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 बहुत। और आप बताइए, आप तो चलिए जेन जी मानूंगी मैं आपको, जेन जी को देहरादून ये जो है आपको कैसा लग रहा है वृंदावन में? वृंदावन इज पीस, होम, एवरीथिंग फॉर मी। अच्छा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, सो व्हाट डू यू वांट टू टेल टू योर फ्रेंड्स, लाइक डू शुड दे विजिट वृंदावन और नॉट? यस, ऑफ कोर्स यू शुड विजिट वृंदावन वंस इन योर लाइफ। एंड एक बार आ गए ना तो बार बार आने का मन करेगा ही करेगा। जो है वो आपको तमाम तरह की यहाँ पे चनिया चोली नजर आएगी। लोग जो है बैग्स की शॉपिंग करने यहाँ आते हैं और काफी रंगीन है। भाई साहब, दुकान आपकी है? क्या मतलब कुछ पहले से ग्राहकी बढ़ी है होली के समय में वृंदावन में? नहीं, होली में तो दुकानदारी होती है। हाँ, ग्राहकी बढ़ी है, खूब आ रहे हैं लोग। हाँ, वृंदावन में खूब धूम मची हुई है होली की और बहुत लोग आ रहे हैं। हाँ, और अच्छा, बहुत अच्छा माहौल है वृंदावन का। मतलब लोग आकर्षित होते हैं, जैसे कि आप, मतलब हम तो दूर से ही देख रहे हैं कि बहुत रंगीन कपड़े हैं, गोपियां बन के जो है लड़कियां, जो महिलाएं हैं वो घूम रही हैं। तो क्या कुछ है ये सब चीजें, आप कहाँ से लेकर आए, क्या कुछ है? हमारे ब्रज की होली जैसी संपूर्ण वर्ल्ड में नहीं होती है। हाँ, इसी देश के नहीं, विदेशों के भी लोग हमारे यहाँ होली पर आते हैं। हाँ, ना तो होली जैसा कलर मिलेगा कहीं और आपको वृंदावन के अलावा। हाँ, ना ही कपड़ों में ऐसे कलर मिलेंगे। हाँ, जो कप वृंदावन में मिलते हैं। हाँ, ना ही यहाँ के जैसी कचौड़ी मिलेगी, ना मिठाई मिलेगी। वृंदावन जैसा सामान बाहर मिल ही नहीं सकता। हाँ, इसीलिए भगवान कृष्ण स्वयं वृंदावन आए। हाँ, तो और भी कहीं जा सकते थे। हाँ, तो हमारे ब्रज से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं है। और उसके बड़े भाग्य जो यहाँ पर आता है, और आप भी भाग्य वाले हो जो आप जहाँ पर आए हो। बोला, देखिए जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो लोग भाग्यशाली हैं जो वृंदावन आ रहे हैं, यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, जो यहाँ पे आप जो चकाचौंध देख रहे हैं, ये अपने आप में जो है एक बेहतरीन उदाहरण है। और हमने आपको पूरे जो ब्रज की जो का जो ये एक छोटा सा जो हिस्सा था, इसका हमने आपको दर्शन करवाया। और आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये जो ब्रज दर्शन जो हमने करवाया है रात्रि के समय का, ये आपको कैसा लगा? आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। मैं पूजा भारती, कैमरामैन विवेक के साथ।